हेलो क्लास एट, आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर संस्कृत क्लास। आज इस कक्षा में हम सब संस्कृत पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है दिनचर्या, इसे पढ़ेंगे। इसका अनुवाद मैं आपको करके बताऊंगी। केचन बालका बालिकाश्च उद्याने वार्तालापं कुर्वन्ति। कुछ बालक और बालिकाएं उद्यान में बातचीत करते हैं। रमा, सुप्रभातम भव्ये प्रतीक शिव। भव्या, प्रतीक और शिव, सुप्रभात, सुबह का नमस्कार। भव्या, सुप्रभातम रमे। रमा, सुप्रभात। कथम भवति अस्म, तुम कैसी हो? अहम कुशलिनी अस्मि, मैं कुशलता से हूँ। रमा, अहम कुशलिनी अस्मि, मैं कुशलता से हूँ। प्रतीका कथम शांत अस्ते, प्रतीक शांत क्यों हैं? शिवा, अद्य प्रतीका विलंबेन उत्थितवान, आज प्रतीक देर से उठा है, अतः सुस्त है, इसलिए सुस्त है। प्रतीका प्रातः अष्टवादने उत्तिष्ठति, प्रतीक सुबह 8 बजे उठता है। भव्या, अहम तो प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं तो सुबह 5 बजे उठती हूँ। रमा, अहम अपि, मैं भी। जीवने स्वस्थ जीवनाय विकासाय च अस्माकं दिनचर्या सम्यक भवेत्। जीवन में स्वस्थ जीवन और विकास के लिए हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। प्रतीका, अस्माकं दिनचर्या कथम भवेत्, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? अस्माभि कदा किं करणीयम्, हमें कब क्या करना चाहिए? कृपया बोधयन्तु, कृपया बताओ। शिव, भव्या दिनचर्या सम्यक अस्ति, भव्या की दिनचर्या अच्छी है, अतः भव्या अस्मान् बोधयतु, इसलिए भव्या हम सभी को बताएगी। अस्तु, अहम स्वदिनचर्यां कथयामि, ठीक है, मैं अपनी दिनचर्या कहती हूँ। अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। 5 वादनतः सपाद 5 वादने, 5 बजे से 5:15 बजे तक दंत धावनम करो, मैं दांत धोती हूँ या दांत साफ करती हूँ। पादोनषड्वादने स्नानम करो, मैं पादोनषड्वादने का अर्थ है 5:45 बजे स्नान करती हूँ। सपाद 6 वादने पूजाम करोमि, 6:30 बजे पूजा करती हूँ। 7 वादने विद्यालयम गच्छामि, 7 बजे विद्यालय जाती हूँ। 2 वादने विद्यालयात आगच्छामि, 2 बजे विद्यालय से वापस आती हूँ। हस्त प्रक्षाल्य सपाद 2 वादने भोजनम करोमि, हाथ धोकर 2:15 बजे भोजन करती हूँ। 4:30 वादनतः 4 वादन पर्यंतम विश्राम करोमि, 2:30 बजे से 4 बजे तक विश्राम करती हूँ। 4 वादनतः 5 वादन 4 बजे से 5 बजे तक गृह कार्यम करोमि, गृह कार्य करती हूँ। 5 वादनतः 6 वादन पर्यंतम 5 बजे से 6 बजे तक क्रीडामि, खेलती हूँ। 6 वादनतः 9 वादन पर्यंतम 6 बजे से 9 बजे तक अध्ययनम करोमि, अध्ययन करती हूँ। 9 वादने भोजनम करोमि, 9 बजे भोजन करती हूँ। 9:30 वादने शयनम करोमि, 9:30 बजे सोती हूँ। प्रतीका, अद्य आरभ्य अहमपि एताम दिनचर्या एवं अनुसरामि, आज से ही हम भी यही दिनचर्या का अनुसरण करेंगे। अहम शिव, अहम तु प्रातः अर्धहोरा योगासनमपि करोमि। शिव, मैं तो सुबह 1/2 घंटा योगासन भी करता हूँ। रमा, अस्तु अधुना गृहं चलामः, ठीक है, हमें अभी घर चलना चाहिए, अध्ययन से समय संजाता, अध्ययन का समय हो रहा है। भव्या, अस्माभिः सर्वदा विद्यार्थिनः पंचलक्षणं ध्यातव्यम्, हम सभी को हमेशा विद्यार्थियों के 5 लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान तथा कुत्ते जैसी निद्रा, और अल्प भोजन करने वाला तथा गृह को त्यागने वाला, यह विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। थैंक यू सो मच।